जीमो जोशी राजा थे तो जीमो जोशी राजा सिरो खीर खांड ने खाजा सिरो खीर खांड ने लक्ष्मी जी प्रसाद ने प्रसाद आरोगा तो इतना प्रसाद पा लिया, इतना प्रसाद पाया कि जब जरूरत से ज्यादा पा लिया तो अजीर्ण हो गया। नरसिंह जी महाराज से प्रार्थना की, महाराज किसी वैद्य को बुलाओ, लुटपुट करे धरन पर लौटे, बोले वचन अकारा जी। नरसिंह जी महाराज फिर प्रार्थना करते हैं, स्वयं अश्विनी कुमार वैद्य कोकलिया ब्राह्मण के लिए दवाई का इंतजाम करते हैं, औषधि का इंतजाम करते हैं। नरसिंह जी महाराज के आंगन से कोकलिया देवता ने प्रस्थान किया। इधर नरसिंह जी ने विचार किया कि अब ब्याह के थोड़े ही दिन रह गए हैं, मायरे की तैयारी करनी है, ब्याह में चलना है। तो नरसिंह जी विचार करने लगे कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या ले जाऊं और क्या मायरे में भरूं। नरसिंह जी महाराज भगवान का स्मरण करते हैं और मन में विचार कर रहे हैं, इत थोड़े दिन ब्याह के नरसी कर मन सोच, अरे जे हूं तो ले जे हूं कहां और नहीं जे हूं तो। नरसिंह जी महाराज ने विचार किया कि जाऊं तो ले जाऊं क्या और नहीं जाऊंगा तो ब्याह सगे क्या विचार करेंगे। नरसिंह जी महाराज ने तो कंकु पत्री हाथ में ली और द्वारिका के मार्ग पर जो पीपल का वृक्ष था उस मार्ग पर गए, भगवान का स्मरण किया। पत्री तुलसी पत्र धर और कर चंदन चलो देन श्री कृष्ण को विप्रमान मन क्षेप। पंथ द्वारिका पीपली धरी पत्रिका जाय और कर करुणा नरसी फिरो यदुपति लई उठा। नरसी जी महाराज ने पत्रिका पर चंदन का लेप किया, तंदुल पत्रिका पर रखे और जैसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे रख के नरसिंह जी महाराज का रखना हुआ और रख कर के घूमते हैं तो साक्षात परमात्मा आकर के पत्रिका स्वीकार कर लेते हैं। बोलिए सावरिया सेठ की। नरसिंह जी महाराज ने जैसे ही पत्रिका रख कर के आपने प्रस्थान किया, भगवान ने पत्रिका स्वीकार की है,
और नरसिंह जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तो आपका चाकर हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, अरे मेरा प्रत्येक काम आपको ही सारना है, इसलिए आप ही कृपा करो और आप ही संभालो, ये जीवन आपके भरोसे है। आइए नरसिंह जी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु इस मायरे की तैयारी आपको ही करनी है, आपको ही मायरा भरना है, क्योंकि मैं तो आपका चाकर हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ, और जब सेठ विद्यमान हो तो नौकर को किस बात की चिंता। नरसिंह जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, आइए हम सब भी तो भगवान के चाकर हैं, उस सांवरिया से जरा प्रार्थना कर लीजिए, गुनगुना लीजिए, हमारे भाव के पुष्प उस परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए ये भाव अंतःकरण से निकलना चाहिए कि हे प्रभु हम तो चाकर हैं, हम तो नौकर हैं, पर आप तो सेठों के सेठ हो, इसलिए आप कृपा करिए और हम चाकरों का भी जीवन कृतार्थ कर दीजिए। बोलिए सांवरिया सेठ की जय, बोलिए नरसिंह जी महाराज की जय। नरसिंह जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे सांवरिया मेरे तो बस केवल और केवल आपका ही आधार है, आपका ही सहारा है, इसलिए आप कृपा करिए और इस चाकर का काम संवारिए। नरसिंह जी महाराज पत्रिका रखते हैं और जब भगवान ने पत्रिका स्वीकार की तो आपने मन ही मन करुणा के भाव को जागृत किया और भगवान के चरणों में नरसिंह जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे सांवरिया सगे संबंधियों का निमंत्रण आया है पर मेरी तो कोई विषाद नहीं कुछ ले जाने की, आप ही इस कार्य को संभालो और आप ही इस कार्य को करो। क्या प्रार्थना करते हैं नरसिंह जी महाराज। सगारा कागद आया छे जी सावल सा, सगारा कागद आया छे जी सावल सा, सगारा कागद आया छे जी सावल सा, सगारा कागद आया छे I
भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके नरसिंह जी महाराज माहेर की तैयारी करने के लिए अब भाई बंधों के द्वार पर जाकर के कहने लगे कि मायरा ले जाना है, आपके पास जो व्यवस्था हो आप कर दीजिए, वरना मेरी व्यवस्था तो मुझे करनी ही है। और नरसिंह जी महाराज जब भाइयों के द्वार द्वार पर जाने लगे और जाकर के नरसिंह जी महाराज ने भाइयों के द्वार पर मायरे की याचना की तो क्या प्रतिउत्तर मिलता है? अरे नानी बैरा माहेरा को आया जसलोरा जी Okay.
नरसिंह जी महाराज सब भाई बंधों के द्वार द्वार पर घूम रहे हैं और घूमते घूमते नरसिंह जी महाराज ने जब माहिरे की तैयारी करना प्रारंभ किया तो भाई बंधों ने कहा, महाराज हमारे पास तो समय है नहीं, आप अपने जो सूरदास संत है उनको ही साथ में ले जाओ, वही आपके साथी है, वही आपके सहारे है। नरसिंह जी महाराज ने कहा, अरे मायरे में नहीं चलना हो तो मत चलो, पर कम से कम गाड़ी तो दो, बेल तो दो, कपड़े तो दो। भाई बंधों ने कहा, अरे नरसिंह जब मायरा ही भरना था, इतना सामान ही इकट्ठा करना था तो बाबा जी बड़े ही काहे को, अरे बाबा जी बढ़कर के और अब हमारे ही छाती पर मूंग दल रहा है कि ये दो वो दो। नरसिंह जी महाराज को जब इस प्रकार के उत्तर मिलने लगे तो नरसिंह जी महाराज के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई और नरसिंह जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं। सुन नरसिंह चुपचाप वे और सुमरे श्री जगन्नाथ, अरे सावल देसी कापड़ा ने मारो गिरधर चाले साथ। बोलो सावरिया सेठ की। नरसिंह जी महाराज ने कहा, भाई बंधो मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, अरे मेरा सावरिया ही कपड़े देगा और मेरा सावरिया ही साथ चलने वाला है, मुझे कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। साध हमारे सिर धड़ी और परमेश्वर परिवार, साधु मायर बाप है ने सूर्या मारे ला। नरसिंह जी महाराज ने कहा, मुझे तो केवल और केवल उस नीली छतरी वाले का आसरा है और जिसको उसरा आसरा हो उसका आधार हो, फिर क्या चाहिए जब उस परमात्मा की कृपा हो। पर इतना विश्वास हमारा होना चाहिए, इतनी निष्ठा हमारी होनी चाहिए। नरसिंह जी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।